अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कमर ज़ादा हूं, हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं जी मोटर्स। दोस्तों आज हमारे पास है होंडा सिटी 2017 मॉडल, जिसका एक्सटीरियर आपसे शेयर करेंगे, इंटीरियर आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में वैध हमारा चैनल है, जिस पर इतनी ऑफर मौजूद है कि आप गाड़ी सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, गाड़ी के साथ गाड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं और आप गाड़ी टाइम पर ले सकते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पर इतनी ऑफर मौजूद हो। चलते हैं दोस्तों आज की गाड़ी के रिव्यू की तरफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दोस्तों स्टार्ट करते हैं रिव्यू। इसका स्पीडोमीटर से आप देख सकते हैं जिसको बहुत अच्छी शेप में बनाया गया है। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन 79,342 किलोमीटर जो है अब तक चल चुकी है। राइट साइड पे आपको फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज आपको देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों आते हैं इसके इंटीरियर पर, तो दरवाज़ों की कंडीशन आप देख सकते हैं। 2017 मॉडल है होंडा सिटी का, तो ये पैनल आप देख सकते हैं जिसपे पावर विंडो, इसका ड्राइवर साइड वाली विंडो जो है वो ऑटो है लेकिन बाकी जो है वो पावर हैं। तो अभी आपको इसका तमाम इंटीरियर आप दोस्तों से शेयर करते हैं, इसकी कीमत भी आपको दोस्तों को बताएंगे और इसकी लोकेशन भी आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि ये गाड़ी कहाँ पे खड़ी है। तो आप देख सकते हैं इंटीरियर जो इसमें सॉफ्ट टच पैडल नहीं है, हार्ड प्लास्टिक के साथ इसका जो डैशबोर्ड है इसको बनाया गया है। तो ये LED आप देख सकते हैं, एयर वेंट्स आप देख सकते हैं, LED को आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलती है। तो आप सीट की कंडीशन आप देखते हैं, ये कंपार्टमेंट आप देख सकते हैं जिसमें आप चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। होंडा सिटी 2017 IVTEC का हम आपको मुकम्मल रिव्यू दिखाएंगे, इसकी कीमत भी आपको बताएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। तो ये फ्रंट स्क्रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच लेस है, डैशबोर्ड का जैसे हमने आपको पहले बताया। तो ये रूफ़ की कंडीशन आप देख सकते हैं अच्छी पोशन के साथ मौजूद है, रूम लाइट आप देख सकते हैं और कहीं से डैमेज नहीं है, ना कहीं से फटा हुआ है जो रूफ़ है इस गाड़ी का। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी हमारी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। दोस्तों इंटीरियर हमने आपसे शेयर किया जो 10x10 कंडीशन में मौजूद है। तो अभी इसके बैक सीट और बैक डोर जो है वो भी ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसके बैक सीट्स और बैक डोर की क्या कंडीशन है। दरवाजे की कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी शेप में इसको बनाया गया है और कहीं से डैमेज नहीं है। तो ये सीट्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, अच्छी लेदर के साथ मौजूद हैं और तीन आदमी इस पर भी आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल और अच्छी लेदर के साथ इन सीट्स को बनाया गया है। दोस्तों इंटीरियर वाइज गाड़ी फ्रंट और बैक बिल्कुल इसका 10x10 कंडीशन में मौजूद है। तो अभी टायर की कंडीशन आप दोस्तों से शेयर करते हैं। टायर की बात करें तो कंपनी की तरफ से इसमें स्टील व्हील कप आते हैं, इसका साइज़ हमें मिलता है 185R15 का, 15 HK इसके अंदर स्टील व्हील कप आते हैं। टायर की कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये डनलॉक कंपनी का टायर इसमें मौजूद है। तो ये बैक लाइट आप देख सकते हैं लोजन बल्ब के साथ मौजूद है, IVTEC का बैज इस पर मौजूद है, होंडा का लोगो क्रोम में इसमें मौजूद है, ये पीछे बैक पे भी इसको क्रोम का स्टाइल दिया गया है जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। दोस्तों गाड़ी की तमाम मालूमात आपसे शेयर करेंगे, इसकी कीमत भी आपको बताएँगे, इसकी लोकेशन भी आपको बताएँगे। तो ये आप इसको बैक रियर स्क्रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच लेस है, ABS मौजूद है, डिना आप देख सकते हैं दोस्तों जो कंपनी की तरफ से इसमें इंस्टॉल किया गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाड़ी में मिलता है। छत की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये फ्रंट स्क्रीन आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच लेस है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मौसूल हो सके। ये फ्रंट फेंडर आप देख सकते हैं, राइट साइड वाला फ्रंट टायर आप देख सकते हैं अच्छी कंडीशन में मौजूद है। तो ये आप फ्रंट हेडलाइट आप देख सकते हैं लोजन बल्ब के साथ मौजूद है। दोस्तों होंडा की जितनी गाड़ियां हैं इनका फ्रंट अग्रेसिव ही होता है, ज़्यादा चेंज नहीं किया गया 10-12 सालों में, कुछ इनमें माइनर चेंज जो हैं वो किए गए हैं। प्रोफाइल से बहुत अच्छी गाड़ी है, 1155 गाड़ी का वेट है और अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 4395 गाड़ी की लेंथ है और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो तकरीबन 1600 इसकी चौड़ाई है। तो ये आप देख सकते हैं फॉग लाइट्स इसमें इंस्टॉल नहीं हैं क्योंकि ये आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल होती हैं। गाड़ी की तमाम मालूमात आप दोस्तों से हम शेयर करेंगे। ये आप लेफ़्ट साइड से गाड़ी देख सकते हैं बिल्कुल लश कंडीशन में मौजूद है। तो दोस्तों अभी हम ट्रंक जो है वो आपको ओपन करके दिखाते हैं कि इसके ट्रंक की क्या कंडीशन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं
अच्छी कंडीशन में मौजूद है, बिल्कुल न्यू हालत में है, क्योंकि 2017 मॉडल गाड़ी है ये होंडा सिटी। तो इसमें भी जैसे बैक साइड पे इसको स्पीकर मल्टीमीडिया नहीं दिए गए, फ्रंट पे दरवाज़ों में मौजूद हैं। तो अभी गत्ता हटा के आपको दिखाएंगे कि इसके टायर की क्या कंडीशन है और इसके ट्रंक की क्या कंडीशन है। तो ये आप देख सकते हैं जो लोमिनेशन इसको की गई है कंपनी की तरफ से वो अभी तक मौजूद है। ये आप स्पेयर टायर आप देख सकते हैं, ये साइड्स आप देख सकते हैं, ट्रंक की बिल्कुल न्यू और लश कंडीशन में मौजूद है, कहीं से कलर ख़राब नहीं हुआ हुआ। ये स्पेयर टायर भी मौजूद है जो बिल्कुल अच्छी हालत में है, तकरीबन ये अभी तक यूज़ ही नहीं किया गया, इसमें एक दो दफ़ा जो है वो यूज़ हुआ है। तो ट्रंक वाइज गाड़ी भी जो है वो 10x10 कंडीशन में मौजूद है। AEU328 इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है गाड़ी की। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो टोटल डॉक्यूमेंट्स ओनर के पास मौजूद हैं। तो अभी हम आपको इंजन की और इसके बोनट की कंडीशन दिखाते हैं। बोनट की कंडीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल लश कंडीशन में मौजूद है। तो ये इंजन के कुप्पे वगैरह आप देख सकते हैं जो बिल्कुल अपनी जनवन हालत में मौजूद हैं दोस्तों। AGS की न्यू बैटरी इसमें इंस्टॉल है, 1.3 का इसका इंजन है दोस्तों, 1.3 लीटर का इंजन है। इस गाड़ी का फोर स्ट्रोक 100 हार्स पावर जी हमें प्रोड्यूस करता है और एक 128 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन तकरीबन अच्छी हालत में मौजूद है और बिल्कुल न्यू हालत में मौजूद है जैसा कि हमने आपको दिखाया दोस्तों। ओनर का जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे मौजूद है, जो लोग भी इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल लश कंडीशन में मौजूद है दोस्तों। अगर इस गाड़ी की लोकेशन की बात की जाए तो ये गाड़ी मियाँ मोहम्मद नवाज़ अहमदवाला मियाँ जी मोटर्स तहसील कोट मोहम्मद ज़िला सरगोधा में ये गाड़ी मौजूद है दोस्तों। इस गाड़ी की कीमत है 27,50,000 रुपया, लेकिन ओनर की तरफ से ये ऑप्शन मौजूद है कि दोस्तों मौके पे कमी बेशी प्यार मोहब्बत हो जाएगा दोस्तों। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।